जब भी हिमालयन में हजार्ड लाइट चालू होते हैं, बाइक बंद करने के बाद भी हजार्ड लाइट चालू रहते हैं ये तो पता था, पर चाबी निकालने के बाद भी हजार्ड लाइट चालू रहते हैं ये मेरे को मालूम नहीं था। एक रील में देखा मैंने कौन सा तो इंस्टाग्राम पे, आई होप आप लोगों ने वो रील देखी। देखी गाइस, आज की वीडियो के लिए बहुत सॉरी, माइक्रोफोन नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा रीज़न है, तो प्लीज़ कोप अप कीजिए इस वीडियो के लिए। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा पीछे से। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज का वीडियो हिमालयन 452 बेसिक एक्सेसरीज इस बाइक को कौन कौन से लगेंगे ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आई नो देर आर लॉट ऑफ राइडर्स जिन्होंने 2 महीने से बुक करके रखी है बाइक और अभी भी मिली नहीं है, और बहुत सारे राइडर्स ने एक्सेसरीज मंगा के भी रखी है, बट देर आर सम राइडर्स जो बाइक का वेट कर रहे हैं या एक्सेसरीज उन्होंने मंगाए नहीं है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। दिस आर द बेसिक एक्सेसरीज फॉर हिमालय 450। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक्सेसरी जो मेरे दिमाग में आता है वो है हैंड गार्ड्स। तो एडवेंचर बाइक में हैंड गार्ड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप ऑफ रोडिंग एडवेंचर करने जाते हो, लद्दाख, स्पीति वैली, अलग अलग जगह पे, सो उस टाइम पे कभी भी फॉल होता है तो ये हैंड गार्ड्स आपको बचा सकते हैं, एंड देर आर मल्टीपल रीजन्स हैंड गार्ड्स आपको बचा सकते हैं। सो द फर्स्ट एक्सेसरी, फर्स्ट बेसिक एक्सेसरी जो आपको रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 पे लगना चाहिए, क्योंकि ये आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता जैसे कि KTM 390 एडवेंचर प्रोवाइड करता है। सेकेंड एक्सेसरीज पे आता है जो कि है बाइक का टॉप रैक। देखो कंपनी द्वारा 7 kg के लोड कैपेसिटी वाला टॉप रैक प्रोवाइड किया गया है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा हाई कैपेसिटी वाला टॉप रैक रहना चाहिए, तो आप थर्ड पार्टी वाला ही इंस्टॉल कीजिए। मैंने मेरे बाइक पे जाना का इंस्टॉल किया है, बाय द वे मेरी बाइक डोमिनार है, बट फिर भी आई ट्रस्ट जाना, क्योंकि अगर एडवेंचर बाइक है तो बट ऑब्वियसली आप टॉप रैक खाली नहीं रखोगे, यू आर गोइंग टू इंस्टॉल द टॉप बॉक्स ऑल्सो, सो बेटर है अच्छा कैपेसिटी वाला टॉप रैक इंस्टॉल कीजिए एंड टॉप बॉक्स भी लगाइए और एंजॉय कीजिए अपने राइड। थर्ड एक्सेसरी वो मेरे दिमाग में आ रही है ना, दैट इज़ द क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी हिमालयन 450 में, कंसिडरिंग दिस इज़ ए हैवी बाइक, तो थोड़ा सा बड़ा क्रैश गार्ड रहेगा ना, देन इट विल बी गुड फॉर यू। जब भी आप फॉल लोगे, छोटे मोटे फॉल भी लोगे ना, तो आपको वो बचा सकता है। वो भी मैं जाना का ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं खुद जाना यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स वाई, तो दैट इज़ द थिंग। तो क्रैश गार्ड ऐसे कौन से भी कंपनी का ले सकते हो। देन द फोर्थ मॉडिफिकेशन है ना, ये थोड़ा सा यूनिक है। अभी आपको पता ही रहेगा हिमालयन 452 में टायर्स आपको ट्यूब वाले आते हैं, ट्यूबलेस नहीं आते, तो मेरा सजेशन है जो बहुत सारे कंपनीज हैं, लोकल कंपनीज हैं इंडिया में, वो लोग एक कोटिंग प्रोवाइड करते हैं टायर के अंदर एंड मेक द टायर पंक्चर प्रूफ, तो वो वाला ना सेटिंग भाई पहले करा लो, क्योंकि अगर हिमालय में पंक्चर हो गई ना तो यार बहुत दिक्कत होगी, नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर द राइडिंग मेम्बर्स ऑल्सो। सो वो एक ना सबसे, एक्चुअली ये पॉइंट मुझे पहले बोलना चाहिए था, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि टायर पर अपना सब कुछ है भाई, उसको मेरे ख्याल से आउटेक्स बोलते हैं, तो वो कोटिंग एक चढ़ा लो टायर के अंदर ताकि पंक्चर के टाइम आप खुद को सेफ रखो। एक्सेसरी आती है वो है सैडल स्ट्रिप। सैडल से लगना भी इम्पॉर्टेंट है, एनीवेज बहुत सारे लोग सैडल बैग्स यूज़ नहीं, बट सैडल से ना एक अलग वे में ही आपको काम आएंगे फ्यूचर में, कभी भी किसी का भी सामान एक्स्ट्रा हो तो वो साइड में भी बांध सकते हैं, उसको बांधने के लिए बहुत काम आता है। मैंने खुद ने बहुत सारे ऐसे केसेस फेस किए हैं जिसमें भी सैडल स्टे की ज़रूरत ही नहीं थी एंड वो मुझे एमरजेंसी बहुत बार काम आया है। 6 एक्सेसरीज वाइजर। वाइजर में थोड़ा ऑप्शनल बोलूँगा, डिपेंडिंग ऑन योर हाइट, अगर आप 5'9" के आसपास या अंदर हो तो मुझे लगता नहीं आपको ज़रूरत है, क्योंकि सीट इसकी बहुत ही अच्छी खासी नीचे है, बिकॉज पैर भी पहुँच जाते हैं छोटे हाइट वाले राइडर के लिए, तो वाइजर प्रोटेक्शन मिल जाता है। बट आपकी हाइट 6'5'11" 5'10" है तो शायद से आपको वाइजर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हिमालयन का खुद का एक वाइजर है, वो भी बहुत काम का है, अगर वो लगाओगे देन ऑल्सो इट इज़ मोर देन सफिशियंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द प्रोडक्ट फोक स्लीव्स एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो आपके मोटरसाइकिल के सस्पेंशन को बचाएगा धूल मिट्टी से। सो फोक स्लीव्स डे 1 से ही लगाइए ताकि आपके सस्पेंशन लीक होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाए। बिलीव मी गाइस, माय डोमिनार इज़ 2018 मॉडल,
मैंने 2018 के दिसंबर में खरीदी हुई मोटरसाइकिल है ये। ये दिसंबर को इसको 6 साल होंगे एंड देर आर नो सस्पेंशन लीकेज प्रॉब्लम टिल नाउ। सो ये प्रोडक्ट बहुत काम आएगा अगर आप डे वन से इंस्टॉल करोगे तो, क्योंकि ये बाइक डर्ट में तो जाने ही वाली है और कहाँ कहाँ जाएगी भगवान जाने। सो ऐसे टाइम पे ना सस्पेंशन में मिट्टी के पार्टिकल्स थोड़े गए ना तो वो रबर को डैमेज करके लीकेज की चांसेस कर देते हैं। सो उसके लिए फोक्स लीफ अगर आपको चाहिए यू जस्ट कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सो दिस वॉज द लिस्ट ऑफ द बेसिक एक्सेसरीज विच रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 रिक्वायर्स फॉर टूरिंग एंड एडवेंचर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल आया हो एंड इफ़ येस डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कारपेंटर पीजे।